नमस्कार दोस्तों एवं प्यार विद्यार्थियों, कपिल सर की रिसर्च मेथड क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमने कई एनालिसिस कर चुके हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। हमने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनको हमको कैलकुलेट करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो इस लेक्चर को हम लोगों ने क्या किया, दो भागों में विभाजित किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था इस लेक्चर को, ठीक है। और हमने जो इसमें टॉपिक जो कवर करने थे वो टॉपिक थे, सबसे पहले हमने रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टर डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, हमने जैसे हमने बताया इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन वन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन टू। तो उसमें हमने जो पहला लेक्चर था उसमें हमने रेंज, परसेंटाइल रेंज और क्वार्टर डिवीजन कैलकुलेट किया। इस लेक्चर में हम लोग मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे। मीन डिवीजन को पहले जान लेते हैं, इसको बुकिस लैंग्वेज की क्या कहती है। बुकिस लैंग्वेज का मीन डिवीजन इज आ अर्थमेटिक एवरेज डिवीजन, या हम कहेंगे मीन डिवीजन और एवरेज डिवीजन इज आ अर्थमेटिकल एवरेज डिवीजन ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल एवरेज ब्रैकेट में, या दैट इज मीन, मीडियन और मोड ऑफ द सीरीज। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि जो मीन, मीडियन, मोड है वो एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है, और इस और मीन डिविजन जो होता है वो इसमें अर्थमेटिकल एवरेज डिविजन होती है ऑल द आइटम्स की जो हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज में लिए हैं। यानी कि मीन डिविजन हर आइटम्स के डिविजन बताता है, एवरेज डिविजन बताता है कि हर आइटम कितना डेविएट है, ठीक है। और डिवीजन शब्द को जानने के लिए हम लोग ये मान लें, डिवीजन मतलब होता है कि जैसे कि अपने स्थान से कुछ भी, या कोई वैल्यू या कोई पर्सन अपने स्थान से एक स्थान या तो आगे खिसक जाए या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना डेविएट कहलाता है। एग्जाम्पल में ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हम लोग एक सीढ़ियों पर खड़े हैं, 10-12 सीढ़ियाँ हैं और हम लोग किसी मिडिल सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, और अचानक से हम अपनी एक सीढ़ी को छोड़ करके दूसरी सीढ़ी पर मूव कर जाते हैं, तो हम अपने स्थान से एक स्थान क्या हुआ, मूव हो गए, यानी कि डेविएट हो गए। तो ये होता है डेविएट, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन, यानी कि अपनी जगह से स्थान परिवर्तन हो जाना, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। और मीन डेविएशन कभी भी जो है वो अकेले कैलकुलेट नहीं होता है, मीन डेविएशन हमेशा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, इस तरह वो कैलकुलेट होता है। और याद रखें, जब इंडिविजुअल सीरीज में होता है तो उसके फॉर्मूले कुछ और होते हैं, और आपके जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में होता है उसके फॉर्मूले कुछ और हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से हम लोग मीन डिविजन कैलकुलेट कर लेते हैं। आप इन फॉर्मूले को नोट कर ले, ये बहुत काम आने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जब हम इसमें मीन डिविजन निकालने के बाद उसका एक कोएफिशिएंट निकालते हैं, कोएफिशिएंट उसकी परसेंट में वैल्यू को बताता है, और कोएफिशिएंट निकालने के लिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। जब मीन डिविजन कोएफिशिएंट और मीन डिविजन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो वो रहेगा डेल्टा डेल्टा एक्स बार। इसका मतलब ये है, डेल्टा ये जो होता है वो एक स्मॉल डेल्टा, इसको बोलते हैं हम लोग, जो नॉन मैथ के बच्चे वो जान ले कि ये स्मॉल डेल्टा का साइन है, और ये हमेशा मीन डेविजन को रिप्रेजेंट करता है रिसर्च मेथोलॉजी में स्टैट्स के अंदर। और जब ये एक्स बार लगाए तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन डेविजन फ्रॉम मीन, और ये डेल्टा स्मॉल डेल्टा यहाँ पर है तो मीन डेविजन फ्रॉम एम, क्यों, क्योंकि एम यानी मीडियन। मीन डेविजन अगर डेल्टा जेड है तो मीन डेविजन फ्रॉम मोड, इस तरह से उसको हम लोग बताएंगे। तो यहाँ रहेगा डेल्टा एक्स बार डिवाइड बाय एक्स बार, यानी कि मीन डेविजन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। इस जब ये हम लोग इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक्स बार की, ये वाली वैल्यू, जब उस वैल्यू को हम लोग एक्चुअल मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कॉप्शन निकल के आएगा। इसी तरह से जब कॉप्शन टू मीन डेविजन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे तो डीएम की वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू या इससे जो भी वैल्यू निकल के वो यहाँ रखें, एक्चुअल मीन से डिवाइड करती है, कॉप्शन आएगा, परसेंट में हम उसको बता पाएंगे कि कितना डिविजन है इसमें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, तो इसको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दें। एक छोटी सी इसकी अजम्पशन है, या हम बता दें ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो ब्रैकेट है जो हम वैल्यू लेते हैं, देखिएगा आप जिस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट को हम लोग मॉडुलस ब्रैकेट बोलते हैं, यानी कि सिग्मा मॉडुलस ब्रैकेट डीएक्स। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू उसके अंदर आएगी, जैसी वैल्यू आएगी उसको हम लोग साइन को करेंगे, सबको पॉजिटिव साइन मानेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जितनी वैल्यू आएंगे सारे सारे साइन पॉजिटिव हो जाते हैं।
और ये डी एक्स को निकालने के लिए अलग फॉर्मूला है, जब मॉडुलस ब्रैकेट डी एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला अलग रहेगा, और वो रहेगा आपका डी एक्स मॉडुलस ब्रैकेट के अंदर डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्चुअल मीन से जब एक्स के हर आइटम को माइनस कर देंगे और उसका टोटल ले लेंगे तो वो सिग्मा मॉडुलस ब्रैकेट डी एक्स बार बन जाएगा। इसी तरह से हर एक में डी एक्स है मॉडुलस ब्रैकेट में जो भी डी एक्स है तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी, सारे साइन इग्नोर कर देंगे। यानी कि यदि आपका डेविशन नेगेटिव में भी रहेगा ना तो आप ये मान लीजिए जो उसको हम लोग एज ए पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। यदि कोई भी यदि मॉडुलस ब्रैकेट का यूज नहीं करता और ऐसे भी डेविशन निकालता है तो उसका नेगेटिव भी आता है तब भी वो पॉजिटिव डेविशन मानी जाएगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो हमको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा मीन डेविशन फ्रॉम मीन, हम ये इंडिविजुअल सीरीज में निकल जाएगा, क्वांटिटी में निकल जाएगा, डिस्क्रीट में निकल जाएगा, लेकिन हम चाहें हम इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मीन डेविशन फ्रॉम मीन का, क्वांटिटी सीरीज का। आप इसको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में निकाल सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी रहेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमने देखा था सिग्मा एफ डी एक्स, एफ मॉडुलस ब्रैकेट डी एक्स और डिवाइड बाय एन, यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी या सिग्मा एफ को हम लोग मान सकते हैं। बहुत से लोग यदि एन में कन्फ्यूजन तो वो सिग्मा एफ को मान लेंगे, इसको एन को अवॉइड कर देंगे, राइट। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ मॉडुलस ब्रैकेट डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब ये इसमें हमको एफ डी एक्स चाहिए और एफ डी एक्स के लिए हमको डी एक्स भी चाहिए जो मॉडुलस ब्रैकेट में, और उसको निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार यानी कि मीन। तो अब हमें मीन निकालना है। तो जब भी आपके पास इस तरह आता है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो याद रखें आप मीन सबसे पहले निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकलेगा, फिर आपका कोएफिशिएंट निकलेगा, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया है मीन डेविएशन निकालना, उसका कोएफिशिएंट निकालना, ये डेटा है, डेटा को हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका एक्स बनाना है हमको, तो एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे मिड वैल्यू ले लेंगे। तो थ्री और फोर के बीच में मिड वैल्यू रहेगी 3.5, फोर फाइव के बीच में मिड वैल्यू रहेगी 4.5, या दोनों को जोड़ करके दो से डिवाइड कर देंगे अपने आप में मिड वैल्यू आ जाएंगे सभी की। 9.10 के बीच में रहेगी 9.5, तो ये हमारी मिड वैल्यू होगा जिसको हमने एक्स बना लिया। हमारे पास एफ दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एफ को लिख लिया, और डी एक्स निकालने के लिए क्या रहेगा एक्स माइनस ए, यानी कि एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन हमेशा क्या है, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 99 भी ले सकते हैं, 999 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही आएगा जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, है। और यदि आपको मीन कैलकुलेशन कोई दिक्कत हो, मेरा पिछले वीडियो दिए हुए हैं मीन के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही तेजी से मीन कैलकुलेशन बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इस तरह यूज़ करें तो हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये ईजी बनाया था बस एनालिसिस, जबकि आप एनालिसिस कुछ भी कर यूज कर सकते हैं, माइनस वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो हमने मिड वैल्यू लेते ही हमने जीरो कर लिया, सभी हम जानते हैं डिफरेंस है, और जब उससे छोटे नंबर है तो -1, -2, -3 आ जाएंगे, इसी तरह +1, +2, +, यानी इक्वल रहेगा, दोनों का जो वेरिएशन है वो इक्वल रहेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, यदि सबके बीच में गैप एक बराबर रहता, ठीक है। अब हमारे पास एफ वैल्यू दी हुई है, तो एफ और डी एक्स का जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें एफ डी एक्स मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और हमारे पास 22 आ गए, यानी कि हमें एक्स डी एक्स का 1 और ये एफ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ये नंबर इनका है, इनके साथ ये नंबर, इसका इसके साथ ये नंबर, 0 का 0 आ जाएगा, ये इस नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि डी एक्स और एफ का मल्टीप्लाई किया और एफ डी एक्स हमने क्रिएट कर लिया। हमें एफ डी एक्स का क्या चाहिए इसमें, टोटल, तो टोटल एफ डी एक्स ले लिया और एफ का टोटल ले लिया, और एज्यूमिन हमारे पास 6.5, तो ए बराबर एज्यूमिन की वैल्यू यहाँ पुट की, एफ की वैल्यू यहाँ पुट की, और एफ डी एक्स यहाँ पुट किया, और हमने मीन कैलकुलेट किया। 128 to 17 से डिवाइड करते हमारे पास आ गया 59, और 6.5 + 0.59, तो हमने जैसे जोड़ा तो 7.09 आ गया, तो हमने इक्वल मान लिया, इक्वल टू 7.1, तो अब हमारा मीन जो है वो 7.1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए, वही मॉडुलस ब्रैकेट, और जब मॉडुलस ब्रैकेट में डी एक्स का, तो उसका मतलब ये एक्स माइनस एक्स बार, तो हमको यहाँ एक्चुअल मीन से एक्स के हर नंबर को माइनस करना है। तो एक्स को जब हम है ना 7.1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको और इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी -36, लेकिन मॉडुलस ब्रैकेट के कारण हमें उसके प्लस के 36 लिखना पड़ेगा। 4.5 सेवन माइनस को 7.1 से माइनस करते ही 2.6, इसी तरह 5.5 को 7.1 से माइनस करते ही 1.6, ये सारी सारी नेगेटिव वैल्यू थी लेकिन हमने इसको पॉजिटिव लिखा,
ठीक है, इसी तरह सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, इस तरह 9.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 7.1 से, तो हमारे पास 2.4 आंसर आ जाएगा। अभी हमारे पास डीएक्स आ चुका है जो मॉडुलस ब्रैकेट वाला है, लेकिन हमको चाहिए एफ डी एक्स। तो अब एफ का और डी एक्स का इस सीरीज के हर नंबर का एक दूसरे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई होगा 3.6 से, तो हमारे पास आ गया 10.8। 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.6 से और आंसर आएगा 18.2। 22 का मल्टीप्लाई होगा 1.6 से और आंसर आ जाएगा 35.2। 60 का मल्टीप्लाई होगा 0.6 से और आंसर आएगा 36। 85 का मल्टीप्लाई होगा 4.4 से, तो आंसर आएगा 34। 32 का मल्टीप्लाई 1.4 से, तो आंसर आएगा 44। 8.2 का 8 का मल्टीप्लाई 2.4 से, तो मल्टीप्लाई आंसर आएगा 19.2। इन सबको ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 198.2। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ से पुट की, यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया मीन डेविएशन कैलकुलेट हो गया। तो जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास मीन डेविएशन आ गया 0.913, यानी कि ये हमारा मीन डेविएशन है, यानी कि हर आइटम 0.913 से एवरेज में डेविएट हो रहा है, यानी कि एवरेज डेविएशन आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, हर आइटम की। अब इसका हमको कोएफिशिएंट निकालना, तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को डिवाइड करेंगे एक्चुअल मीन से, तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली है, और आपकी मीन क्या है 7.1। ये अब जैसे हमने यहाँ पुट किया और आंसर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1285, यानी कि 12.85% अप्रॉक्स डेविएशन रहेगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया। अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले मीडियन फिर मीन डेविएशन। क्यों, क्योंकि जब आप फॉर्मूला में जाते हैं सिग्मा एफ मॉडुलस ब्रैकेट डीएम, यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीन, तो डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस एक्चुअल मीन, वो मीडियन। तो मीडियन हमको यहाँ पर चाहिए, तो पहले हम लोग मीडियन निकालेंगे। जिन लोगों को मीडियन में दिक्कत है वो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं मीडियन के ऊपर, मैं बहुत ही तेजी से मीडियन बताऊंगा। मीडियन का फॉर्मूला रहेगा एम बराबर एल वन प्लस एल टू माइनस L1 डिवाइड बाई एफ और m माइनस सी, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले m निकल गया, m बराबर क्या होता है n/2, n होती है टोटल फ्रिक्वेंसी, टोटल फ्रिक्वेंसी हमारी क्या है 217। एग्जाम्पल पुराने वाला है तो इसको हम 217 को जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 108, और उसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की बना ली है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं 108 किसके अंदर आता है, तो वो 177 के अंदर आएगा। तो यानी कि सारे L1, L2, L1, L2, L1, L2, लेकिन जो रीडेबल L1 रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, ये वाला, यानी कि अब आपका L1 ये हो गया और ये हो गया, L2 आपका ये हो गया और F आपका ये हो गया और ये आपका, और ये आपका, सॉरी यहाँ पर ये वाला तार गलत हो गया, ये F का रहेगा 85, ठीक है। तो अब आपका ये F है, ये वाली वैल्यू F की रहेगी, ठीक है। तो जैसे हमने सारी वैल्यू पुट की और ये आपके पास 108.5 MR है, तो जैसे हमने सारी वैल्यू पुट की और डिफरेंस निकाला तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता वो आता है 7.1941। आप एनालिसिस आप कैलकुलेट करके देख लेगा, इसको 9 को हम लोग 2 में ले लेते हैं तो इसको 7.2 मान लेते हैं इसका मीडियन। तो हमने मान लिया मीडियन जो 7.2 है। अब हमको निकालना है डीएम, मॉडुलस ब्रैकेट डीएम, यानी डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन निकालना है, तो वो रहेगा एक्स माइनस एम। इसलिए हमने यहाँ पर एम पहले से निकाल लिया, सभी के मिड वैल्यू को हमने एक्स को निकाल रखा और एक्स के हर आइटम को मीडियन से क्या करेंगे हम लोग डेविएशन देखेंगे या माइनस करेंगे। 3.572 तो माइनस के 3.7, लेकिन मॉडुलस ब्रैकेट कारण प्लस के 3.7। 4.5 माइनस 7.2 तो 2.7, 5.5 माइनस 7.2 यानी कि 1.7, ये सारे माइनस के थे तो इसको हमने प्लस मान लिया। इसी तरह 7.5 माइनस 7.2 ये भी माइनस का अपन वो प्लस का निकल के आएगा 0.7, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो मॉडुलस ब्रैकेट में प्लस माइनस भी प्लस हो गया, प्लस तो प्लस रहेगा ही, तो हमने निकाल, लेकिन डीएम से हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, उसे हमें चाहिए एफ डीएम। तो अब एफ के हर आइटम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3.7 11.1, 7 मल्टीप्लाई 2.7 तो ये वाला 18.9, 22 मल्टीप्लाई 1.7 37, 60 मल्टीप्लाई 0.7 42, 85 मल्टीप्लाई 0.3 25, इस तरह हमने 8 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई बराबर
18.4। तो इस तरह हमारे पास एफडीएम आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, टोटल चाहिए, सबमिशन अमाउंट चाहिए, और वो है 194.9। और जैसे हमने ये वाली वैल्यू ऐप यहाँ पुट की, और तो हमारे पास डिविजन फ्रॉम क्या आ जाएगा, मीन डिविजन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। तो वो क्या रहेगा हमारे पास, 0.8981 अप्रोक्स, यानी कि इसके पीछे कुछ वैल्यू होंगी, पर वो वैल्यू हमने कट कर दी, हमने पॉइंट के बाद चार वैल्यू ली हैं, बाकी हमने छोड़ दी, इसलिए हमने यहाँ पर अप्रोक्स लगा दिया है। अब इसका ऑप्शन निकालें, ऑप्शन का फॉर्मूला क्या है, मीन डिविजन फ्रॉम मीडियन और एक्चुअल मीडियन। तो मीन डिविजन फ्रॉम मीडियन ये रहा, और मीडियन आपका ये रहा। जैसे हमने डिवाइड किया तो 12.1247, इसको 12.47% अप्रोक्स डिविजन है यहाँ पर। नेक्स्ट में हम जाएंगे मीन डिविजन फ्रॉम मोड। तो अब मोड से हम लोग डिविजन देखेंगे, और आपके प्रश्न वही है, इक्वेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें निकालना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ मॉडुलस ब्रैकेट मीन डिविजन फ्रॉम मोड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मोड, मोड निकालना। तो पहले हम मोड निकालेंगे, मोड का भी वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ, आपके लिए जल्दी से बता देता हूँ। इसमें सब हम लोग क्या करते हैं, F1 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी वो मानते हैं, और उसके सामने वाले सारे नंबर हमारे L1 L2 होते हैं जो यूजुअल है। हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 85, ये हमारा हो गया F1, ठीक है, और उसके ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी 0 यानी कि F0, यही हमारा रहेगा, और ये वाली फ्रिक्वेंसी रहेगी F2, और ये रहेगा हमारा L2, और ये रहेगा हमारा L1, ठीक है, बाकी सब वही हैं। ये रहा आपका L1 और ये रही आपकी F0 अगेन, और ये आपका रहेगा 2F1। और जैसे हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट की, हमारे पास क्या निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया। मोड हमारा निकल गया 7.0.3205। तो हमने इसको मान लिया अप्रॉक्स, यानी कि लगभग 7.32, हमने बाकी वैल्यू कट कर दिया, और 7.32 हमारा जो है मोड रहेगा। अब हमें DZ निकालना है, ये हर तरह से वही रहेगा, x के हर नंबर को एक्चुअल मोड से माइनस करेंगे। तो x के, तो हमने मोड कितना है 7.32, और x क्या है हमारा 3.5। जैसे हमने डिवाइड किया, सॉरी माइनस किया, 3.5 और 7.32 इन दोनों को माइनस किया, आंसर माइनस के 3.82, लेकिन वो मॉडुलस ब्रैकेट कारण प्लस के रहेंगे सारे। इसी तरह जब इसको इसके माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये माइनस करते हैं और पर सारी वैल्यू निकल गई। इसको हम लोग फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 3.82 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, तो ऐसे करके हमारे पास एफ और मॉडुलस ब्रैकेट DZ यानी FDZ वैल्यू आ गई। और FDZ को जब हमारे पास टोटल करके ये लिया, हमने टोटल को डिवाइड कर दिया टोटल फ्रिक्वेंसी पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.8794 अप्रॉक्स, यानी इसके पीछे भी और वैल्यू थी इसलिए अप्रॉक्स है। तो ये हमारा क्या रहेगा, मीन डिविजन फ्रॉम मोड रहेगा। और कॉप्शन निकालने के लिए हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मोड से, तो हमारे पास कॉप्शन निकल के आएगा 0.2104, यानी कि 12.01% अप्रॉक्स, ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाए तो एक अच्छा एनालिसिस है, और आगे बहुत सारे एनालिसिस, जैसे हम रिग्रेशन कैलकुलेट करें तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैंडर्ड बताता है डेविएशन का, यदि इसको हम देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव है। अब इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिएगा कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, आपको कुछ पैसा है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी शेयर बाजार में। तो आपने देखा कि कोई एक कंपनी है और आपको ये उम्मीद है कि यहाँ पर पैसा डूब भी सकता है और प्रॉफिट में भी आ सकता है, तो लेकिन कितना, तो ये डेविएशन आपको बताता है कि वो कितने तक बढ़ सकता है और कितने तक घट सकता है। जैसे सपोज किया कि हमने एक शेयर लिया, और उसकी हमने, यदि हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो हमने उतने साल का डेटा ले लिया, जैसे हम एक साल होल्ड कर सकते, हमने एक साल का डेटा लिया या वीकली लिया या मंथली लिया, और उस डेटा को हमने एनालिसिस करके उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। तो सपोज करो एक कंपनी XYZ कंपनी का 10 रुपये का शेयर था, और उसकी जो हर महीने की या हर वीक की जो उसकी अप डाउन हमने देखा, या पर डे की अप डाउन हमने देखी, तो उसके हिसाब से हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आती है 3.0।
तो इसका मतलब ये हम मान के चलते हैं कि ये या तो 3 रुपए तक बढ़ सकता है या 3 रुपए तक घट सकता है। तो यानी कि वो 10 रुपए से 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, या 10 भी रह सकता है, या वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी। तो आपको एक स्टैंडर्ड पता चल गया कि वो कितना डेविएट हो सकता है, वो स्टैंडर्डली कितना डेविएट हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यानी कि और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ हम कोई भी मॉडुलस ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते। याद रखें स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सिग्मा से, और जो हम लोग बड़े सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे समिशन को, ये हमारा स्मॉल सिग्मा रहता है, ये भी ग्रीक वर्ड होता है जिससे ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डिवीजन को। और हमारा इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में ये अलग अलग मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारा ये फॉर्मूला रहते हैं, और शॉर्टकट मेथड में ये वाले फॉर्मूले। यदि मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपको मैं ये फॉर्मूला सजेस्ट करूँगा आपके इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। और आपको जब भी इनको ये एनालिसिस लंबी नहीं होती है, ज़्यादा लेंदी नहीं होती है, और आगे जब भी एनालिसिस करेंगे तो आपको यही ज़्यादा फॉर्मूले आपको देखेंगे, वो किताबों में भी यही फॉर्मूले मिलते हैं। लेकिन जब आपको कोफिशिएंट भी निकालना है, याद रखें आप अगर स्टैंडर्ड डिविजन निकालना है तो आप बिना मीन के स्टैंडर्ड डिविजन निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो आपको मीन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मीन से ही डिवाइड होगी स्टैंडर्ड डेविएशन को। और अगर आप डी निकालते हैं तो यहाँ आपका डी का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि एक्चुअल मीन से होता है। तो आप ये फार्मूला और ये फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज से बिल्कुल रट लें, और यहाँ से आप ये वाला फार्मूला रट लें, ठीक है। तो आपको ये 3 फार्मूले बहुत काम आने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पता है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, तो आपका हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा, राइट। हम लोग एक एग्जांपल को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इसमें हम दोनों मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट भी निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोगों ने एक डेटा लिया है, ये हमारे पास डेटा है, ये इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है, और इसका सिर्फ सीरियल नंबर दिए हैं। हमने डेटा लिया, लेकिन हमको क्या निकालना है इसमें, डायरेक्ट मेथड से डी, और डी का मेथड क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ मॉडुलस ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव भी आएंगे और पॉजिटिव भी आएंगे। तो एक्स बार, तो हमको मीन निकालना है, एक्चुअल मीन, और एक्चुअल मीन निकालने का फॉर्मूला आएगा एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि इसका टोटल को जब नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आइटम 10 थे तो हमारे पास 10 यहाँ आ गए और इसका टोटल यहाँ आ गया, और जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो 154 हमारा मीन निकल के आ गया। और इस मीन से जब ईच आइटम को हमने माइनस किया, यानी कि 154 से माइनस किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने स्क्वायर किया, जैसे हमने 9 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर होते ही सारे प्लस हो जाते हैं साइन, तो जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो 81, 36 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका हमने टोटल ले लिया, ये सिग्मा का टोटल है, तो हमारे पास सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास निकल गया 232, ठीक है। इस वैल्यू को जैसे हमने यहाँ पुट किया, और नंबर ऑफ आइटम जो हमारे पास 10 थे उसको हमने जैसे यहाँ पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आती है, जैसे हमने डिवाइड करते हैं तो 33.2%। और जिसका इसका अंडर रूट हटाया, जैसे इसको हमने इसका स्क्वायर निकाला या रूट लिया तो हमारे पास निकल गया 4.816, यानी इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8.6 रहेगा इसका जो मीन का, ठीक है। इसी तरह हम लोग शॉर्टकट मेथड से यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स का होल स्क्वायर। याद रखें फर्क बहुत आसान है, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, तो हमको डी एक्स निकालना है। और डी एक्स कैसे निकला, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स के हर आइटम को एज्यूमिन से माइनस करना, और एज्यूमिन हमने लिया 56, 56 को लिया तो यहाँ 56 जीरो के बाकी माइनस के प्लस के हमारे निकल के आ जाएंगे। ये हमने एक्स के हर आइटम को क्या किया, एज्यूमिन से माइनस किया, हमारे पास डी एक्स आ गया। अब डी एक्स का हमने जैसे स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, जैसे इस वैल्यू को हमने जोड़ा, इन सबको जोड़ के ये वैल्यू निकला, इसको हमने यहाँ पुट किया डी एक्स, और हमें क्या चाहिए डी एक्स का टोटल, तो डी एक्स हमारा माइनस का 20 निकल के आया, जो कि -20 डी एक्स निकल के आए, तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, और हमारे पास नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10, तो दोनों के नीचे हमने 10 को पुट किया। तो अब देखो एनालिसिस कैसे करते हैं, तो जैसे ही हम सब पहले ये हमारे पास है, अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें तो हम एज्यूमिन लेंगे, लेकिन हम पहले एक काम होता है इसको सबको डिवाइड करते हैं। हमने जैसे 10 से डिवाइड किया तो 27.2 आ गया, ठीक है, और इसको 10 को डिवाइड किया तो माइनस के
क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, वो माइनस के टू आएगा, माइनस के टू, ठीक है। और माइनस के टू को स्क्वायर किया तो आपका प्लस के टू हो जाएगा, तो प्लस के टू। लेकिन ये वाला सिंबल माइनस का, तो प्लस के वो सॉरी प्लस के फोर हो गया, और ये आपका 27.2। और माइनस प्लस प्लस का फोर को यहाँ पर तो माइनस का ही सिंबल लगा, तो माइनस का ये हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 23.2। अब इसको जैसे हमने रूट हटाया, इसका अंडर रूट लिया, तो हमारे पास 4.816 आंसर आ गया, जैसे बोला। अब इसका क्वेश्चन निकालेंगे तो हमारे पास मीन की वैल्यू है, मीन हमारे पास ये रहा, स्टैंडर्ड डिविजन ये रहा, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाता है 0.0312, यानी कि 3% या 3.12% अप्रोक्स इसमें स्टैंडर्ड डिविजन निकल के आए। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविजन निकालेंगे हम लोग किससे, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास डेटा है, हमने इसको यहाँ पर पुट किया, ठीक है। अब जैसे हम डी एक्स निकालेंगे तो एक्स माइनस ए, और ए एच जो हमने किया 9 मिड वैल्यू, तो हमारे पास मिड वैल्यूज में जब मैं गैप हमारे से एक जैसा, तो हमने मिड वैल्यू से ये निकाल लिया, यानी ये एच जो मिन से हमने एक्स के नंबर को माइनस किया, हमारे पास आ गया डी एक्स। डी एक्स का जैसे हमने स्क्वायर किया, यहाँ देखेंगे सिर्फ स्टैंडर्ड डिविजन निकालें, कोएफिशिएंट नहीं निकालना। ये मैंने इस अलग एग्जांपल लिया आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मीन जरूरी है या नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट के लिए आपको मीन जरूरी पड़ेगा। तो जैसे हमने निकाला तो हमारे पास निकल के आता है ये वाली वैल्यू डी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। ये हमारे पास डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, इसको एफ डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। और इसमें यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है, आपको बहुत अच्छे समझ लीजिए, बहुत से लोग ऐसी गड़बड़ियाँ कर जाते हैं। जब हम डी एक्स स्क्वायर की बात की तो हमने डी एक्स का स्क्वायर यहाँ कर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये सारा स्क्वायर हमने कर लिया। अब ये एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स मतलब ये एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का माइनस 3 से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस के 9, राइट, बहुत आसान। 6 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से किया तो 12 माइनस के, राइट। 9 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया तो माइनस के 9, 0 से किया तो 0, 8 से 1 का किया तो 8, 5 का किया तो 10, और 4 का 3 से किया तो 12। ये तो समझ में आ गया। अब गलतियां लोग यहाँ कर जाते हैं, आप ये देखेंगे ये वाली वैल्यू लोग गलतियां कर जाते हैं। यहाँ आपको देख रहा होगा एफ डी एक्स का स्क्वायर, तो आपको लगेगा कि इस वैल्यू का हमको हर नंबर का स्क्वायर करना है, तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि एफ मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि f के नंबर को डी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। लोग बाग f डी एक्स स्क्वायर मानते हैं, तो इस पूरी वैल्यू को एक मान के इसका ही स्क्वायर कर देते हैं, और ये बहुत गलत हो जाता है, इससे आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, f मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर आपका ये रहा और f ये रहा, तो 39 मल्टीप्लाई 27, राइट। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से, तो आपके पास 24 आ गया, क्लियर। 9 का मल्टीप्लाई किया आपने, सॉरी 1 से, तो आपके पास 9 आ गया, ठीक है। 30 का 0 से 0, अब 8 का 1 से 8, 5 का 4 से 20, और 4 का 12 से 36, राइट। आपका एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया। जैसे आपने इसका टोटल किया, आपका एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आपने यहाँ पुट की आंसर में, और आपका एफ डी एक्स जो है वो 0 है वो आपने यहाँ पुट किया, f की वैल्यू आपने दोनों में कॉमन है तो आपने यहाँ पुट कर दी। और अब आप आंसर देखेंगे तो 124 डिवाइड बाई 48, 48 क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी, इसको सीधा सीधा डिवाइड करते जाओ, ठीक है। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 से स्क्वायर करेंगे 0, और जैसे इनको डिवाइड किया तो 2.5833 माइनस 0, तो माइनस 0 किया तो 0 कुछ नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, वो अंडर वो रूट लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे, तो आपका निकल के आएगा 1.607 अप्रोक्स। यानी इसके पीछे कुछ वैल्यू है पर अप्रोक्स ला के हमने 3 पे ही कट कर दिया पॉइंट के बाद, तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गई। यहाँ हमसे कोएफिशिएंट नहीं पूछा तो हम इसका मीडियन नहीं निकालेंगे, राइट, क्योंकि एज्यूमिंग से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट में हम जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, किससे हमारा होगा वो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना, उसका क्वेश्चन निकालना, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं पर आप मान लें क्वेश्चन निकालना है इसका। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा स्टैंडर्ड डिवीजन का, हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला ये रहा, हमें पता है, और इसके हिसाब से हम पहले क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए, इसके लिए मिड वैल्यू एक्स आ गया,
फ्रिक्वेंसी एज इट इज रहेगी, हमें एक्स और एफ मिल गया। डीएक्स निकालेंगे तो एक्स माइनस एक्जू मीन, एक्जू हमने लिया 35 और हमने 35 के हर नंबर को किससे माइनस किया, एक्स के हर नंबर को 35 से माइनस किया। 35 माइनस वो एक्स 5 माइनस 35 माइनस के 30, 15 माइनस 35 माइनस के 20, 25 माइनस 35 माइनस के 10, 35 35 जीरो, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30, 75 माइनस 35 40। पर डीएक्स हमको डीएक्स का टोटल नहीं चाहिए, हमको हमें क्या चाहिए, एफ डीएक्स और एफ डीएक्स का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, डीएक्स का स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई, ये स्क्वायर की वैल्यू है, डीएक्स के हर नंबर को स्क्वायर कर दिया। फिर एफ डीएक्स मतलब है कि एफ और एक्स के हर नंबर का मल्टीप्लाई, हमने पहले किया 15 मल्टीप्लाई, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ ये रहा 15 और 13 मल्टीप्लाई 450, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू, ऐसे हमने ये एफ डी एक्स निकाल दिया। फिर वही चीज़ दोबारा से दोहराऊंगा, एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि हमको इस नंबर का स्क्वायर नहीं करना है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है, आपको डी एक्स स्क्वायर और एफ का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये एफ मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर, तो एफ और डी एक्स का, तो इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये वाली वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये वाली वैल्यू, इन दोनों का जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू का यहाँ मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सारी वैल्यू निकल के आई। अब इनको जैसे ही हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया। एफ डी एक्स स्क्वायर को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे और एफ डी एक्स की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट किया और एफ की वैल्यू को दोनों जगह पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। जैसे हम 48,800 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 390.4 आ जाएगा, और जैसे 120 को 125 से मल्टीप्लाई करें तो 0.16 आंसर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0256 निकल के आएगा, और जैसे इनको माइनस किया तो आया था 390.374। तो हम जैसे इसका स्क्वायर लेते हैं, रूट करते हैं, तो हमारे पर निकल के आता है 19.76। ये हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आ गई। अब स्टैंडर्ड डिवीजन को हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये यहाँ के जाके पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ हमको मीन चाहिए, मीन हमारे पास नहीं है, तो हम मीन निकालेंगे पहले। और मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और यहाँ पर हमारा एफ डी एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमारे पास सिग्मा एफ पहले से ही है, एच जू में हमने कर ही चुके हैं, तो हमारे पास सारी वैल्यू निकली हुई है। हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर हमारा 35.16 आंसर आ गया, और ये वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ गया 50.56 और 56% डेविएशन आ रही है, यानी कि 56 डेविएट हो सकता है, यानी कि प्रतिशत में वो 56% पॉजिटिव या 56% वो नेगेटिवली डेविएशन डेविएट हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करना आ गया होगा। आप ये दोनों लेक्चर जरूर देखें और अपने करियर में उसका लाभ लें। यदि आपको हमारी एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट या सारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएंगे। धन्यवाद। और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ दी हुई है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।